उसमें आप बोले थे कि माइनस आर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनिमल अननोन वेरिएबल्स हुज वैल्यू विल बी आर्बिट्री। उसके ऊपर जो आप किए थे ना वो और एक बार कर देंगे, वो जो आर्बिट्री वाला आर्बिटर क्या हुआ? एक आर्बिटर, एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, तो ठीक है सर। तीनों से किसी एक को तुम कंस्टेंट ले जाओ, के ले जाओ, ठीक है सर, तीनों से किसी एक को एक वेरिएबल आर्बिटरी हो रहा है, तो किसी को तुम ले जाओ। इसलिए मैंने कहा था जिस इक्वेशन में लेस नंबर ऑफ अननोन है उसी इक्वेशन ये अननोन को कह लो। हाँ सर, पहले मैं सिलेबस खत्म कर देता हूँ, फिर जो क्लास मिलेगा उसमें तुम पूछो। ठीक है सर। आइजन वैल्यू और आइजन वैल्यू का प्रॉपर्टी के बारे में कहा था। अभी आइजन वेक्टर कैसे निकालें? आइजन वेक्टर और ईच आइजन वैल्यू लैम्डा वैल्यू लैम्डा देयर एग्जिस्ट एन आइजन वेक्टर एक्स एक्स इज ऑफ द फॉर्म x1 x2 अप टू xn इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स और ए माइनस लैम्डा आई और इज नॉल मैट्रिक्स। डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस है। देखो जीरो टू सिक्स तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? सर, दैट मीन्स सी माइनस लैम्डा 1 4 0 टू माइनस लैम्डा 6 0 0 फाइव माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। दैट इज 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 235। आइजिन वेक्टर अभी निकाल लेंगे। आइजिन वेक्टर एक्स क्या रहेगा? x1 x2 x3 क्योंकि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 तो यहां पर मैंने लिखा हूं ऑर्डर एन होने से यहां पर एन तक रहेगा सच दैट
ए माइनस लैम्डा आई, मैं एक निकालूंगा, बाकी दो तुम खुद निकाल के एक बताओगे। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू टू, और लैम्डा इक्वल टू टू फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस टू आई ऑफ एक्स इज नॉल मैट्रिक्स। ए माइनस टू आई क्या हो जाएगा, हु कैन से सर? इस नॉल मैट्रिक्स इक्वेशन का फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस सिक्स एक्स थ्री जीरो, जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। प्रैक्टिकली ये कन्वर्ट का कहां होता है इक्वेशन, ये दो इक्वेशन तो सेम है, am I right? अरे यहाँ सिक्स डिवाइड कर दो, यहाँ थ्री डिवाइड कर दो, ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है क्या? यस सर सेम है। तो मिला है मुझे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री इक्वल जीरो, और जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। सिखाया था लास्ट क्लास में जो टेक्निक, वो टेक्निक के हिसाब से क्या होगा, x1 by b1 c2 minus b2 c1 equal to x2 by c1 a2 minus c2 a1 equal to x3 by b1 b2 a1 b2 minus a2 b1। ये हुआ x1 by 1 equal to x2 by minus 1 equal to x3 by 0। तो मेरा पहला आइजन वेक्टर हुआ 1 माइनस 1 जीरो। क्या समझ नहीं पा रहे हो, पूछो ठीक से, क्या समझ नहीं पा रहे हो पूछो। 3 5 के लिए खुद निकाल के बताओगे, मैं बनाऊंगा नहीं। इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो लैम्डा इक्वल टू थ्री के लिए बनाओ, क्या होगा इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगा, दिस इज द फॉर्मूला सर, ए माइनस थ्री थ्री आई माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए माइनस थ्री आई मतलब हो जाएगा थ्री तो पहले था जीरो 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 वन फोर जीरो वन फोर सेकेंड लाइन जीरो माइनस वन सिक्स जीरो माइनस वन सिक्स जीरो जीरो टू जीरो जीरो टू ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज नॉल मैट्रिक्स। इक्वेशन मेरे पास आया जीरो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, जीरो एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस सिक्स एक्स थ्री इक्वल टू जीरो, फिर जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। प्रीवियस केस में दो इक्वेशन सेम हो रहा था, तो तीनों इक्वेशन दो इक्वेशन को रिड्यूस हो गया था, यहां पर ऐसे नहीं होता है, यहां पर तीनों इक्वेशन यूनिक है। तो कोई भी दो इक्वेशन को ले जाओ, कोई भी दो इक्वेशन को ले जाके बनाओ, सिक्स प्लस फोर इक्वल टू एक्स टू बाय सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन इक्वल टू एक्स थ्री बाय ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये हुआ एक्स वन बाई टेन
equal to x2 by 0 equal to x3 by 0. So that means mera second eigenvector hua 10 0 0. 10 0 0 10 divide kar dunga to ho jayega 1 0 0. Abhi third equation mein x1 x2 x3 ka value substitute karo, dekho balance ho raha hai ya nahi. Yes sir. So that is lambda equal to 3 ke liye eigenvector. Lambda equal to 5 ke liye kya hoga? A minus 5pi of x is null matrix. A minus 5pi kya hoga? 3 minus 5 minus 2, 1, 4. 0, 2 minus 5 minus 3, 6. 0, 0, 0. Of x1, x2, x3 is null matrix. तो यहाँ पर मुझे दो ही equation मिला, 2x1 plus x2 plus 4x4, sorry 4x3 equal to 0, 0x1 plus 3x2, sorry minus, plus 6x3 equal to 0. Third तो सब 0 है, कुछ नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, x1 by b1 c2 6 plus 12, x2 by 0 plus 12, x3 by 6 minus 0, that is x1 by 18 equal to x2 by 12 equal to x3 by 6. The third eigenvector क्या मिल रहा है, 18, 12, 6 और उसको रिड्यूस कर देंगे ना सर, 3 to 1 क्या है, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं मैं वही बोल रहा था कि रिड्यूस करेंगे जब आपने 18 लिखा था. हाँ, तीनों के लिए आइजेनवेक्टर ये हो गया. तो ये तीनों को B मैट्रिक्स में डिनोट करते हैं, x1, x2, x3 के लिए. x1, x2, x3 क्या क्या मिला हमें, पहले 1 माइनस 1 0 मिला था, दूसरा मिला था 1 0 0, 1 0 0, थर्ड मिला 3 2 1, दैट इज द स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स और आइजिन वेक्टर्स. स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स और आइजिन वेक्टर. लिख लो, देखो क्या हो रहा है, पूछो पूछो. सर ये दोनों जो हम लोग को जो स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स मिला है, जो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स है, इसमें क्वेश्चन है मतलब ग्राफिकल कोई रिलेशन है क्या? क्या बोल रहे हो सर? हम लोग को जो क्वेश्चन में जो सर मैट्रिक्स था और सर जो एंड में जो आइजन वेक्टर मैट्रिक्स जो मिला उसमें क्या रिलेशन है? बताऊंगा, वेट करो. मैं मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उसका स्क्वायर पावर निकालना चाहता हूँ, ये मैट्रिक्स का पावर 10 में निकालना चाहता हूँ. कितना टाइम लगेगा 10 बार मल्टीप्लाई करने के लिए? बहुत ज्यादा. ये मैट्रिक्स का हायर पावर में निकालना चाहता हूँ, वो कैसे होगा? ये मैट्रिक्स को मैं डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या, ये तो डायगोनल फॉर्म में नहीं है, उसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये आइजिन वेक्टर निकाल के वो कैसे बनाया जा सकता है, अभी बताऊंगा, वेट करो. ये जो मैट्रिक्स मैंने यहां पर बनाया उसको बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं? मॉडल मैट्रिक्स. मॉडल मैट्रिक्स मीन्स द सेट ऑफ ऑल आइजन वेक्टर्स. This set of all eigenvectors
the set of all eigenvectors corresponding to the given matrix. एक मैट्रिक्स का जितना आइजिन वेक्टर एग्जिस्ट करता है, एक मैट्रिक्स का जितना आइजिन वेक्टर एग्जिस्ट करता है उसको लेने से ये मिलता है। सर अभी देख लो डायगोनलाइजेशन जो है, डायगोनलाइजेशन जो है दो आइजन ही आता है, क्या है? Find the modal matrix. Find the matrix. तो जो डायगोनल फॉर्म है वो डायगोनल फॉर्म होगा B इनवर्स AB. किस फॉर्म में रहेगा? ना इस फॉर्म में. आइजिन वैल्यूज मेन डायगोनल एलिमेंट में ही रहेगा. आइजिन वैल्यूज मेन डायगोनल में रहेगा. तो जो प्रॉब्लम मैंने बनाया बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या दिया गया था? 3 1 4 0 2 6 0 0 5 डायगोनलाइज. तो ये सबसे लंबा क्वेश्चन है. फाइंड बी मैट्रिक्स, फाइंड मॉडल मैट्रिक्स बी. मैंने निकाला बी मैट्रिक्स क्या मिला था मुझे थोड़ा बता दो. अभी ये मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो टू फाइंड बी इनवर्स गॉस जॉर्डन में. गॉस जॉर्डन में इनवर्स निकालो 1 -1 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. पहला ऑपरेशन में क्या मिलेगा मुझे बताओ क्विक. दिस इज द पाइवट एलिमेंट. R2 → R2 + R1 - 1 0 0 1 5 1 1 0 ये तो जीरो है. नेक्स्ट पाइवट ये है तो रो वन कैसे रिप्लेस होगा? रो वन माइनस रो टू. यस सर. 1 0 - 2 0 - 1 0 0 1 5 1 1 0 ये ऑलरेडी है, कुछ नहीं करना है. थर्ड स्टेप में ये है पाइवट एलिमेंट. रो वन कैसे रिप्लेस? रो वन प्लस टू रो थ्री. 1 0 0 -1 2. रो टू कैसे रिप्लेस होगा? रो टू माइनस फाइव रो थ्री. 0 1 0 1 1 -5 ऑलरेडी 0 0 1. तो बी इनवर्स मुझे मिला 0 1 0 -1 2. सो बी इनवर्स 0 -1 2 -1 2 1 1 -0 0 1. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Now diagonalization क्या है?
बी इनवर्स ए बी, बी इनवर्स मैट्रिक्स 0 1 0 माइनस 1 1 0 टू माइनस 5 1 ए मैट्रिक्स था 3 1 4 3 1 4 0 2 6 0 0 5 0 0 5 बी मैट्रिक्स था 1 1 3 1 1 3 माइनस 1 0 2 माइनस 0 0 1 थोड़ा मल्टीप्लाई करो, खुद मल्टीप्लाई करो, कोई दो को पहले लेके मल्टीप्लाई करो उसके बाद थर्ड को मल्टीप्लाई 0 0 0 माइनस 2 0 माइनस 6 प्लस 10 4 3 3 4 प्लस 6 10 माइनस 15 0 0 5 2 1 1 3 माइनस 1 0 2 0 0 1 ये मैट्रिक्स का उसके साथ जो आगे जो प्रॉब्लम है ए टू दी पावर 5 फाइंड ए टू दी पावर 5 ए टू दी पावर 5 के लिए हम क्या किए हैं ना जो मैट्रिक्स ए टू दी पावर 5 है ये हो जाएगा बी डी 5 डी इनवर्स B D5 this तब B मैट्रिक्स हमें क्या मिला है B क्या मिला है यहाँ 1 1 3 1 1 3 -1 0 2 -1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 D5 मतलब 2 टू दी पावर 5 0 0 0 3 टू दी पावर 5 0 0 0 5 पावर 5 B इनवर्स क्या मिला 0 माइनस 1 2 0 माइनस 1 2 1 1 माइनस 5 1 1 माइनस 5 और 0 0 1 0 0 1 ये तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो ए फाइव मिलेगा ए फाइव ए टेन ए हंड्रेड जो निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो जो निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो ये 3 to the power 5 और 5 to the power 5 कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा सर जी? हाँ बड़ा होगा, बड़ा होगा उसका मतलब उस तो सिर्फ डायगोनल में है ना, वो तो सिर्फ डायगोनल में है। चैतन्य भाषा, चैतन्य भाषा
तो पहले देखो आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं, आइजन वेक्टर पहले कैसे निकालते हैं वो देखो। आइजन वेक्टर निकालने के बाद जो मॉडल मैट्रिक्स मिलता है, मॉडल मैट्रिक्स को लेके कैसे डायगोनलाइज करते हैं, डायगोनलाइज करके फिर कैसे पावर निकालते हैं। ए फाइव निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, तुम्हें पहले आईजी निकालना है, आइजन वेक्टर निकालना है, डायगोनलाइज करना है, उसके बाद वो फॉर्मूला यूज करके निकालो। कहाँ पर डाउट है पूछो, ये श्योर क्वेश्चन है, ये और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। पूछो सर, अगर लैम्डा का वैल्यू 2 आता है तो फिर मॉडल मैट्रिक्स में क्या करेंगे सर? 2 आता है मतलब 2x2 मैट्रिक्स है? नहीं सर, हाँ जैसे अगर मैंने 3x3 ही लिया फिर 0 अगर आ जाता है लैम्डा का वैल्यू तो चलेगा ना सर? हाँ, 0 तो है, मतलब 0 एक आइजन वैल्यू है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है डबल रूट, डबल होने से क्या होता है वो फिर दिखा हुआ था। डबल रूट वाला, वो डबल रूट में कैसे आइजन वैल्यू निकालते हैं वो दिखाऊंगा, लिख लो ये या स्क्रीनशॉट ले जाओ। डायगोनलाइज तब होता है जब लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ये जो आइजन वेक्टर है ये सब लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ये जो आइजन वेक्टर हम निकाल रहे हैं ऑल लिनियरली इंडिपेंडेंट, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर के साथ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर का नंबर सेम होगा तब डायगोनलाइज कर पाओगी, अदरवाइज यू कैन नॉट डायगोनलाइज। नेक्स्ट पेज सर। जल्दी करो, नेक्स्ट पेज सर। लिख रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो? लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं।
नेक्स्ट पेज सर। सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज सर। सर एक चीज पूछना था सर। सर जब अपन एक्स वन एक्स टू एक्स करते हैं तो उसमें अपन लैम्डा का वैल्यू चेंज करेंगे तो सर मॉडल मैट्रिक्स भी तो चेंज हो जाएगा ना सर। लैम्डा का चेंज करोगी सर जैसे कि अपना है 2 3 5 तो सर अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं एक्स वन एक्स थ्री का पहले मैं अगर 5 का लगा दूं तो सर फिर मैट्रिक्स चेंज आना चाहिए सर। वो मैट्रिक्स तो चेंज होगा तुम एक सीक्वेंस में रखो इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके सर इधर असेंडिंग ऑर्डर में रखो। नेक्स्ट पेज जल्दी करो टाइम खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज एक मिनट बाकी है स्क्रीनशॉट ले जाओ नहीं तो लाइक लिख नहीं पाओगे नहीं। हां सर स्क्रीनशॉट ले। यस सर। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज करो। एक सेकंड। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट और नहीं सर। एनसीएम के सिलेबस में से और कितना बाकी है? एक क्लास।
ऑप्शन क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर, कैलोरी खत्म हो जाएगा। रीजॉइन कर, थोड़ा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में बता दूंगा यहाँ। जो आइजिन वैल्यू तुम्हें मिलता है, लास्ट क्लास में दिखाया था आइजिन वैल्यू, रिपीटेड भी मिला था, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एक से ज्यादा हुआ था, दिखाया था ना? यस सर। एक आइजिन वैल्यू के लिए एक आइजिन वेक्टर, जब रिपीटेड आइजिन वैल्यू मिलता है तो उसका आइजिन वेक्टर कैसे निकालोगे, तो वो जानने के लिए फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दी नंबर, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है दी नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर्स, आइजन वेक्टर्स एग्जिस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग to the eigen value ये निकालने के लिए फॉर्मूला है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। देखो ए मैट्रिक्स है माइनस टू टू माइनस थ्री कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? बोलो सर। माइनस थ्री, अच्छा सॉरी माइनस टू माइनस लैम्डा। उसका इवैल्यूएट करो, मैंने इवैल्यूएट किया हूं, लैम्डा का वैल्यू फाइव माइनस थ्री माइनस थ्री, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ फाइव क्या है? वन। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ माइनस थ्री क्या है? टू। यस। अभी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालूंगा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की रैंक ऑफ ए माइनस फाइव आई क्या होगा? सर माइनस सेवन टू माइनस थ्री टू माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस वन टू माइनस फाइव। फटाफट रैंक बताओ, निकालो, मैं निकालूंगा। थ्री। रैंक निकाल के बताओ सर। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो फिर रैंक निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या? रफ में बना लूंगा तो चलेगा? रैंक निकाल के दिखाओगे। ओके।
सर इधर टू आएगा ना सर लास्ट रो में. सर टू आएगा ना सर इधर तो इधर सर लास्ट रो में सेकंड एलिमेंट. यस सर इट्स टू. रो वन रो टू इंटरचेंज कर दो सर. माइनस फोर आ रहा है सर उधर तो. रो टू को डिवाइड कर दो बाय टू. सर इधर माइनस फोर आएगा सर सेकंड एलिमेंट रो टू. सर रो टू में सर सेकंड एलिमेंट. हाँ सर इधर रैंक निकालो देखो दो होगा रैंक. सर रो वन रो थ्री चेंज किया है ना. देखो चेक करो रैंक टू आएगा. क्वेश्चन में बेटा ये माइनस टू है. माइनस टू तो पहला ऑपरेशन क्या होगा सर. रो टू प्लस रो वन जीरो नहीं आएगा सर. तो बोले तो क्वेश्चन में माइनस टू है. सुन नहीं रहे क्वेश्चन में वो माइनस टू है. कुछ मैंने गलत लिखा था क्वेश्चन में. तो ये फिर होगा माइनस फोर. ये माइनस एट रो थ्री कैसे रिप्लेस होगा. रो थ्री माइनस सेवन रो वन जीरो प्लस फोर्टीन माइनस थ्री माइनस प्लस थर्टी फाइव दैट इज थर्टी. तो यहां पर फिर होगा ये पाइवट एलिमेंट. टू ही आएगा. चेक करो सिमिलरली लैम्डा माइनस थ्री के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा थ्री माइनस रैंक ऑफ ए प्लस थ्री आई. ए प्लस थ्री आई क्या होगा. सर लास्ट पेज में आपने माइनस टू का आपने प्लस टू फिर क्यों किया. आई डिडंट गॉट इट. क्वेश्चन में माइनस टू है. आपने फिर सेकंड स्टेप पे आपने प्लस टू कर दिया ना. वो जब डिवाइड किया कहीं पर प्लस टू नहीं किया. ये रो वन रो थ्री को इंटरचेंज कर दिया. रो वन रो थ्री को इंटरचेंज किया पाइवट एलिमेंट वन लाने के लिए. यस आई गॉट इट. तो ये फिर क्या होगा वन टू माइनस थ्री
2, 4 minus 6, फिर -1, -2, +3, उसका रैंक, उसका रैंक देखो चेक करो, 1 होगा, 1, 2, -3, 2, 4, -6, -1, -2, 3, तब पहला स्टेप में रो 2 कैसे रिप्लेस होगा, रो 2 माइनस 2 रो 1, 1, 2 माइनस 3, 0, 0, 0, रो 3 कैसे रिप्लेस होगा, रो 3 प्लस रो 1, 0, 0, 0, रैंक हो गया 2, सॉरी 1। तो आइजन वेक्टर इस केस में कैसे निकालोगी, आइजन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए ए माइनस लैम्डा आई ऑफ एक्स इज नॉल मैट्रिक्स, तो दैट इज ए माइनस 5i ऑफ x1 x2 x3 इज नॉल मैट्रिक्स, ए माइनस 5i मुझे क्या मिला था, -7, 2, -3, 2, -4, -6, -1, -2, -5 ऑफ x1 x2 x3 इज नॉल मैट्रिक्स। तो इक्वेशन मेरा हुआ -7x1 + 2x2 - 3x3 = 0, 2x1 - 4x2 - 6x3 = 0, -x1 - 2x2 - 5x3 = 0, कोई दो इक्वेशन ले जाओ, कोई दो इक्वेशन लेने से x1 क्या होगा, -12, -12, x2 क्या होगा, -6, -42, x3 क्या होगा, 28, -4, दैट इज x1 - 24 इक्वल टू x2 - 48 इक्वल टू x3 - 24। तो जिसको मैं लिख सकता हूं 24 डिवाइड करने से 1, 2, -1, तो मेरा आईजी वेक्टर हो गया 1, 2, -1, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। लैम्डा इक्वल टू -3 के लिए दो आइजिन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा, तो ये होगा a+3i ऑफ एक्स इज नॉल मैट्रिक्स, a+3i मैट्रिक्स थोड़ा बताओ क्या लिखा बनाया था सर, 1, 2, -3, 2, 4, -6, -1, -2, 3, x1 x2 x3 is null matrix। तो यहाँ पर इक्वेशन है x1 + 2x2 - 3x3 = 2x1 + 4x2 - 6x3 = 0, -x1 - 2x2 + 3x3 = 0, ये देखो तीनों इक्वेशन एक ही है, ये तीनों इक्वेशन एक ही है, उसका मतलब क्या है शंभुदा चटर्जी, आर यू हियर? हाँ सर। अभी देखिए मैट्रिक्स का रैंक क्या हुआ था, ये मैट्रिक्स का रैंक हुआ था 1, 1, कितने अननोन है, 3 अननोन, अननोन कितना है, 3 अननोन है, 3 अननोन है, तो 3 - 1 कितना अननोन आर्बिटरी होगा, 2 आर्बिटरी होगा, 2 आर्बिटरी होगा, तो मैं x1 को k1 ले रहा हूँ,
x2 को k2 ले रहा हूं तो x3 क्या होगा इक्वेशन के हिसाब से वो आर्बिटरी कैसे होगा तब मेरा k का वैल्यू k1 का वैल्यू मैं जीरो ले रहा हूँ k2 का वैल्यू वन ले रहा हूँ तो मेरा आइजिन वेक्टर क्या बनेगा जीरो वन वन ना टू बाई थ्री वन नहीं तो टू लास्ट वाला टू बाई थ्री टू बाई थ्री ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मुझे टू मिला है तो सेम आइजिन वैल्यू के लिए और भी एक आइजिन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा सेम आइजिन वैल्यू के लिए और भी आइजिन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा वो कैसे निकालूंगा ना उसको रिवर्स कर दूंगा के वन के टू को रिवर्स कर दूंगा के वन वन के टू जीरो तो x3 क्या मिलेगा वन जीरो वन बाई थ्री सर ये के वन और के टू का वैल्यू के वन के टू का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो ओके सर मैंने वन जीरो लिया है आर्बिटरी मतलब यू कैन टेक एनी वैल्यू ये के लिए जीरो वन वन जीरो के लिए ये सेट मिल रहा है तो बोलेगा सर मैं यहाँ पर जैसे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दो है और एक ही आइजिन वैल्यू है तो इसलिए एक को जीरो एक को नॉन जीरो लेना है एक को जीरो एक को नॉन जीरो लेना है उसी को रिवर्स करना है नेक्स्ट स्टेप में नॉर्मल वैल्यू निकालना चाहते हो के वन वन के टू भी वन ले सकते हो के वन के टू भी वन ले सकते हो अभी जो मोडल मैट्रिक्स मिला है अभी जो मोडल मैट्रिक्स मिला है क्या वन टू माइनस वन जीरो वन टू बाई थ्री वन जीरो वन बाई थ्री इफ यू विल चेक इट्स रैंक विल बी थ्री क्योंकि तीन लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है यहाँ पर तीन लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर यहाँ इसका रैंक निकाल होगी उसका रैंक थ्री होगा बहुत चीज यहाँ पर रखने के लिए पड़ेगा जो ट्रिक मैंने बताया वो ट्रिक जिस केस में आइजिन वैल्यू रिपीटेड है लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दो मिला है मैंने कहा था एक आइजिन वैल्यू के लिए एक आइजिन वेक्टर एग्जिस्ट करेगा ये आइजिन वैल्यू के लिए ये आइजिन वेक्टर एग्जिस्ट किया दूसरा आइजिन वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगी ना जो आर्बिटरी वैल्यू है वो आर्बिटरी वैल्यू को इंटरचेंज करना है इंटरचेंज करने से दूसरा लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिलेगा यहां पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वन मिलेगा तो ये बात कोई जरूरत नहीं है डायगोनलाइजेशन तब होता है डायगोनलाइजेशन तब होता है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर के हिसाब से लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजिन वेक्टर मिलता है जहां मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री है मोडल मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री होगा तो वो डायगोनलाइज होगा अदरवाइज इट कैन नॉट बी डायगोनलाइज क्योंकि यहां पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सपोज मिला तो यहां पर आइजिन वेक्टर कितना मिलेगा सर एक बार क्या बोले डायगोनलाइजेशन कब होता है सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा डायगोनलाइजेशन कब होता है डायगोनलाइजेशन तब होता है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर और मोडल मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है सपोज हियर लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री इज रिपीटेड एंड फॉर लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री यू गॉट वन आइजिन वेक्टर तो ये तो मिलेगा नहीं ये और मिलेगा क्या
नो सर ये मिलेगा नहीं तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2+3 हो जाएगा, 2 आइजन वेक्टर मिला है वहां पर, तो उस केस में डायगोनलाइजेशन नहीं होता है, उस केस में डायगोनलाइजेशन नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 है, 3 आइजन वेक्टर, 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मिल रहा है तो डायगोनलाइज होगा, 3 से कम लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर मिलता है तब डायगोनल नहीं होगा। लैम्डा रिपीटेड है, लैम्डा रिपीटेड है तो नंबर ऑफ एक लैम्डा वैल्यू के लिए एक आइजन वेक्टर, लैम्डा -3 के लिए ये आइजन वेक्टर में निकाल के दिखा दिया, लेकिन यहां पर मुझे बताया जा रहा है कि इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब और एक रहेगा, वो निकालने के लिए तरीका क्या है यहाँ पर मैंने बताया, जो दूसरा लिनियरली डिपेंडेंट आइजन वेक्टर मुझे मिला यहाँ पर। सर मॉडल मैट्रिक्स अगर अलग अलग आए तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कुछ प्रॉब्लम अलग अलग मतलब क्या है, कॉलम तो चेंज होगा अलग कैसे हो? सर जैसे कि अपन ने X1 और X2 वाला ले लिया पहली बार, अगर किसी ने X1 और X3 ले लिया तो उससे तो अलग आ सकते ना सर? हाँ ओके सर, फर्क नहीं आएगा। ओके सर, ले जाओ स्क्रीनशॉट और 15 मिनट का 15-20 मिनट लगेगा और बाकी जितना सिलेबस है, कल 10 से 11 क्लास यस सर, थर्सडे का क्लास 10 से 11, कल मैं खत्म कर दूंगा सिलेबस, उसके बाद 2-4 दिन तुम्हें दूंगा, मतलब थर्सडे क्लास सिलेबस खत्म हो गया तो फ्राइडे संडे ट्यूजडे तक क्लास नहीं करूंगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो 4 क्लास है वो 4 क्लास में तुम तुम्हारा डाउट पूछोगी पूरा सिलेबस से, पूरा सिलेबस से डाउट्स पूछोगी जिसका डाउट जान करके पूछेगा, जिसका डाउट नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि और कुछ पढ़ाने के लिए मेरे पास नहीं रहेगा कल के बाद। नेक्स्ट पेज सर, नेक्स्ट पेज सर, और बाकी रहा जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है क्विज टेस्ट में, जब मैं फाइनलाइज करूंगा डिस्क्रिपेंसी को मैं हटाऊंगा, देखूंगा सबको एक एक मार्क दे दूंगा, जो मार्क रखे हो उसके साथ एक एक मार्क ऐड कर दूंगा, जिसका 10 है उसमें तो कुछ नहीं करना है, 10 से कम जिन लोगों का है उसको एक एक मार्क ज्यादा दे दूंगा। थैंक यू सर, पूरे टॉप पे है वो, थैंक यू। क्या है सर वो मिड सेम के सर आप आंसर भेज देंगे सर जो करेक्ट वाले थे? मिल कहीं पर मैं ढूंढ रहा था मेल में, मेल में शायद मैंने डिलीट कर दिया है क्या है, अच्छा क्वेश्चन तो पूछ लेगा, मैं बता दूंगा क्लास में।
तुझे क्या कितना मिला है? 9 मार्क मिला है शायद 10 से। हाँ सर, वो चेक करना था सर कि मतलब लिखना कैसे सही आंसर, मतलब मार्क्स पढ़ाने के लिए। तेरा लिखने का तो तरीका ठीक तरह से लिखता नहीं, किया था टेस्ट, किया था वो टेस्ट में जैसे लिखा था तुझे कहा था मैंने। ठीक है एग्जिट करो, प्रॉब्लम जाके करो, प्रॉब्लम करोगी तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं।